नमस्कार मित्रों, अभी अभी शिव विधानसभा सीट को लेकर बड़ा समीकरण सामने आया है। कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है और किस उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं? दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों ने शिव विधानसभा सीट को लेकर सटीक अनुमान लगाया है, जिसमें शिव विधानसभा सीट में टोटल 2.5 लाख वोट पड़े थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी की जीत निश्चित है। और बात करें कांग्रेस के अमीन खान की, तो यहां पर 58,813 वोट मिले थे और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी फतेह खान को 63,416 टोटल वोट मिले। और इसके बाद बीजेपी पार्टी से स्वरूप सिंह खारा को 34,517 वोट मिले और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को 66,609 वोट मिले हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जालम सिंह को 17,930 वोट मिले। कुल मिलाकर शिव विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो रविंद्र सिंह भाटी को मिले। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल ये अनुमानित आंकड़े शिव विधानसभा सीट में सटीक भी बैठ सकते हैं और इस एग्जिट पोल के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी 4,193 वोट से जीत सकते हैं।